नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप पीड़ित की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज हाथरस जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों कार से उतर कर ही चल पड़े। ग्रेटर नोएडा में हाथरस की दूरी 142 किलोमीटर है। उधर हाथरस प्रशासन ने भी जिले में 131 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी है। हाथरस की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के गांव में बैरिगेट्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 2016 में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नोएडा पहुंचे थे, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद दोनों को ही दिल्ली लौटना पड़ा। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा है कि गैंगरेप की शिकार लड़की के पिता को जबरदस्ती ले जाया गया। सीएम से वीसी के नाम पर बस दबाव डाला गया है। वे जांच की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पूरे परिवार को नज़रबंद रखा गया है, बात करने से भी मना किया गया है। क्या ऐसे में धमका कर उन्हें चुप कराना चाहती है सरकार? हाथरस के मामले में प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमले कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री से 3 सवाल भी पूछे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जबरदस्ती परिजन से छीन कर पीड़ित का शव को जलाने देने का आदेश किसने दिया। वहीं हाथरस के एसपी विक्रांत वीर ने कहा है कि अलीगढ़ अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर जख्मों की बात है, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोका। राहुल और प्रियंका के पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित के गांव पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिगेट्स लगाकर उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद विरोध में सपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। पर बजाय अपराधियों को रोकने के, वो प्रियंका जी और राहुल जी को रोकने पर आदित्यनाथ सरकार क्यों लगी है? सवाल ये। सर, सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे राजस्थान में भी रेप्स हो रहे हैं, क्या वहाँ भी जाएंगी प्रियंका गांधी राहुल गांधी? सिद्धार्थनाथ सिंह जाकर अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? रात के अंधेरे में कोई संस्कार करता है? रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार नहीं हो सकता, और माँ बाप को छोड़कर इस प्रकार से संस्कार क्यों किया जा रहा है, क्यों अत्याचार किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ क्योंकि वो दलित है, सिर्फ क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ क्योंकि वो एक बेटी है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की,